अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे शानदोंग यूनिवर्सिटी की आपको लाइब्रेरी दिखाने। ये चाइना की जो यूनिवर्सिटी होती है, इसकी लाइब्रेरी किस तरह की होती है, ये इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखो कितना माशाल्लाह प्यारा है। और बाइक्स की पार्किंग एरिया है यहाँ पे, जो बाइक खड़ी करेंगे। और अगर आप इसका फ्रंट देखोगे तो ये सारा कितना ब्यूटीफुल है माशाल्लाह से, पूरा ग्रीन ग्रीन। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह से। चलते हैं अभी लाइब्रेरी के अंदर, देखते हैं किस तरह की बनी है चाइना की जो लाइब्रेरी होती है, वो किस तरह बनी होती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं अंदर। तो लेट्स गो। और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जा रहे हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये व्यू चेक करो आप, कितना प्यारा है माशाल्लाह से। अभी शाम का टाइम है यहाँ पे, 5:30 बजे हैं यहाँ पे। तो ये इनका एंट्रेंस गेट है लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक खुली रहेगी ये, ठीक है ना। ये है एंट्रेंस गेट यहाँ का, ठीक है ना। तो ये सारा एंट्रेंस फेस पे भी हो सकता है, कार्ड से भी हो सकता है, तो मैं कार्ड से कर रहा हूँ अभी इंटर होने के लिए यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से लाइब्रेरी का व्यू है। और यहाँ पे देखें तो भाई साहब, आप देखो व्यू तो चेक करो, ये सारा इन्होंने बता दिया है चाइनीज़ में कि क्या क्या कौन कौन से फ्लोर पे क्या क्या चीज़ रखी हुई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं, रिपोर्ट भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये सारे ऑनलाइन पब्लिक असिस है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो सारे इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट फ्री है इसके अंदर, और आप बैठ के यहाँ से। और दूसरा यहाँ पे फ़ोटो स्टेट मशीन भी लगी हुई है, आप जितना भी करना चाहो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप जो है ना इंग्लिश में आके, ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप स्कैन करना चाहो, प्रिंट करना चाहो, जो जो आपको करना है भाई फ्री है, कोई पैसे नहीं है यहाँ पे। और क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी दी हुई है चाइना के अंदर, कुछ काम करना हो तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये पब्लिक एरिया है सारा, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑनलाइन पब्लिक असिस्ट, मतलब असिस्ट मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेट चला सकते हो, असिस्ट का मतलब ये है कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट्स हो जो कि पेड होती हैं, वो आप यहाँ पे असिस्ट कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने रिसर्च पे आर्टिकल्स वगैरह जो कुछ भी हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है बुक्स रिटर्न करने का, या जो है कुछ लेने का, तो ये सिस्टम यहाँ रखा हुआ है। यहाँ भी सारे मशीन डिजिटल सिस्टम है, तो ये पूरी जो है इनकी जो लाइब्रेरी है सारी डिजिटल है। यहाँ भी फ़ोटो कापी मशीन वगैरह सब लगी हुई है। आगे जो है, आगे मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, पहले मैं ये वाला पोर्शन देख लूँ। यहाँ पे जो है ना, जो भी आपको बुक चाहिए होगा आप यहाँ पे स्कैन करोगे ले जाओगे, और जो है उसके बाद जो है अपना जब रिटर्न करना होगा तो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो चलते हैं अभी और विज़िट करते हैं इसको, लाइब्रेरी को, इसका कंपनी। यहाँ देखो इसके कितने स्टेप है, अगर मैं इसको गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फ्लोर हैं इस लाइब्रेरी के। तो अभी मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ, तो जितना हो सकेगा कवर करेंगे छोटा मोटा इसका। ये भाई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है शानदोंग यूनिवर्सिटी की। ये यहाँ पे जो है ना बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, अगर आप बैठ सकते हो। अब ये देखो, ये इसको जो अपना बुक रिटर्न करना है तो ये अपना बुक भी रिटर्न कर रही है यहाँ पे। खाई फा जाओ माँ। और यहाँ पे इस तरह की और भी यहाँ चेयर रखी हुई है, अगर थोड़ा आपको थोड़ा बैठना हो, आप थक गए हो तो आप यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी चेयर बनी हुई है यहाँ पे भी। अभी मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, अभी चलते हैं ऊपर, लेट्स गो टू सेकंड फ्लोर, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है।
ये जो है बुक्स वाला सेशन है, यहाँ पे सारे बुक्स पड़े हुए हैं। और जो है और यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते यहाँ पे उनको। ये अभी मैं सेकेंड फ्लोर पे आ गया हूँ, यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह रखे हुए हैं और जो है स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। सबकी चेयर रखी हुई है यहाँ पे, ये आप बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और भी ये सेकेंड फ्लोर पे आया हूँ अभी मैं, अभी आगे और जाएंगे देखेंगे क्या क्या है। और ये सब पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करते, आगे से देखते हैं जल्दी जल्दी से क्या है। और ये सारे जो हैं बुक्स का सेक्शन है, सारा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं यहाँ पे, हर टाइप की बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी बुक्स हो जो यहाँ पे आपको ना मिले। ये भी बैठे हुए, सारे बैठे हुए, देखो आप कितनी लग्जरी बनी है माशाल्लाह से। अब चलते हैं आगे, अगर आपको यहाँ बैठना हो तो आप बैठोगे ना, तो अपना यहाँ लैपटॉप रख रखोगे। और यहाँ पे जो है ना पॉइंट बने हुए हैं, आप मोबाइल चार्ज करना, लैपटॉप चार्ज करना हो, सब कुछ है। और यहाँ लाइट्स लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, आप जब बैठोगे इंस्टॉल करोगे तो और आपको अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ये देख रहे हो लाइटिंग भी ऑन होती है सारी, ताकि क्लियर आपको जो है ना कुछ समझने में पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। अब चलते हैं आगे, इस तरफ भी बुक रखी हुई है सारी। यहाँ फोर्थ फ्लोर पे भी बुक्स वगैरह रखे हुए हैं सब कुछ, यहाँ पे भी स्टडीज़ की चेयर बनी हुई है, यहाँ पे भी बुक्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं। तो ज़्यादा इनको भी डिस्टर्ब नहीं करते ये सारे बुक्स वगैरह के। अभी मैं आ गया हूँ फोर्थ फ्लोर पे, यहाँ पे भी सारे बुक्स वगैरह का बना हुआ है, सेमिनार और आईटी डिपार्टमेंट, बहुत ह्यूज लाइब्रेरी है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी है। लेट्स गो टू सिक्स फ्लोर, अभी जा रहा हूँ सिक्स फ्लोर पे, देखते हैं सिक्स फ्लोर पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। ये आ गए हम सिक्स फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे भी यही लिखा हुआ है सब कुछ कि ये फोटो कॉपी मशीन वगैरह बनी हुई, ये फॉरनर्स भी बैठे हुए हैं। हेलो, तो यहाँ पे जो है ना फोटो कॉपी मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ पे भी लगी हुई है, जो कि मैंने आपको पहले बताई। और यहाँ पे अलग तरीके से कुछ क्लोज़ेट बने हुए हैं यहाँ पे स्टडी के लिए। और यहाँ पे आप देखो अनलिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, मतलब यार क्या चाहिए आप लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। आप आओ यहाँ पे स्टडी करो और फुल एक्सेस है आपके पास, या अपना आईडी कार्ड लगाओ, पासवर्ड लगाओ और यूज़ करो। दुनिया के वर्ल्ड टॉप क्लास जर्नल्स जो हैं आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के अपने पेपर राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। और अगर मैं इसका थोड़ा रिव्यू करूँ तो ये किस तरह का है, यहाँ पे जो है इस तरह के बने हुए। और यहाँ पे देखो बैठने की जगह, जैसे कि लंच ब्रेक वगैरह हो जाता है या शाम के टाइम आप थक गए हो तो यहाँ पे सो सकते हो, यहाँ पे कोई ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी रखे हुए हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। और ये भी बनी है जगह बनी हुई रेस्ट की, ये तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये भी मैं सिक्स फ्लोर पे आ गया हूँ, समझो कि इस लाइब्रेरी का जो ना मिडल है। और ये देखो माशाल्लाह से स्ट्रक्चर इसका, ये तो मुझे बड़ा पसंद आया यार, जैसे हम लोग कोई नई दुनिया में आ गए यहाँ। कभी देखी इस तरह की लाइब्रेरी, अगर देखी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कहाँ पे इस तरह की लाइब्रेरी देखी है। यहाँ पे आप बैठो, यहाँ पे स्टडी करो,
और यहाँ अंदर भी जो है ना सब बैठे हुए हैं। यहाँ अलग से रूम बने हुए हैं स्पेशल स्टडी के। मैं आ गया हूँ 7th फ्लोर पे, तो अभी यहाँ पे भी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, बैठने की जगह है, लाइब्रेरी, यहाँ सब बैठे हुए हैं स्टडी कर रहे हैं। ये सारी इनकी बुक्स रखी हुई हैं, जिसको जो को लेना चाहिए ले जाए, यहाँ पे पढ़नी है तो यहाँ पढ़ेंगे। सारी इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है, ये देखो सारी इंग्लिश बुक्स हैं। ये जितनी भी बुक्स हैं तो यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सारी माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड बुक्स हैं। और इस तरह के यहाँ पे स्टडी का माहौल बनाया हुआ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ विंडो से क्या व्यू नज़र आता है। अभी यहाँ पे तो कम लोग हैं, हर जगह पे आपको एक्सेस है इंटरनेट की। ये विंडो व्यू देखो माशाल्लाह से। चलो आगे चलते हैं, विजिट करते हैं, हमारा 10th फ्लोर पे चलते हैं, अब 12 पे चलते हैं। अभी एंड करते हैं जल्दी से इस वीडियो की। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो ना कमरे बने हुए रीडिंग आउट लाउड, मतलब आपको पता है लाइब्रेरी में जो ना कम आवाज़ में बात करनी होती है, तो यहाँ पे जो उन्होंने रूम बनाए हुए हैं कि रूम नंबर 1, 2, 3, बहुत सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे अंदर जाके ना आप अपना रीडिंग कर सकते हो। जैसे ये अंदर कर रही है, तो ये किसी चीज़ को कोई याद करना होगा तो आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हो। तो ये भी अच्छा लगा मुझे, एक नई चीज़ देखने के लिए मिली है मुझे कि बहुत सारे रूम बने हुए हैं, जब जैसे रीडिंग आउट लाउड तो अंदर जाके ना आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हो उस चीज़ को याद करने के लिए, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। बाहर तो आपको पता है सारे साइलेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं, अंदर जाके ना आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हो। मैं जो है ना इसके टॉप पे आ गया हूँ लाइब्रेरी के, तो आप टॉप से व्यू चेक करो माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह से। पूरा ग्रीनी ग्रीनी माउंटेन। ये शानदार यूनिवर्सिटी चिंगताओ कैंपस का व्यू है जो कि नज़र आ रहा है लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर से। अभी मैं लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर पे ही खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से मैं आपको व्यू चेक करवा रहा हूँ बाहर का। टॉप से जो है ना नीचे का व्यू किस तरह नज़र आता है मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से, और टॉप से यहाँ से व्यू चेक करो माशाल्लाह से। यहाँ पूरी बीच नज़र आ रही है जो कि शानदार यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे है, वो पूरी क्लियर यहाँ से विजिबल हो रही है बीच है। और यहाँ पे सारे माउंटेन हैं, ग्रीनी माउंटेन वगैरह। तो चलो अभी एंड करते हैं इस व्लॉग का। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।